एक ऐसी रेमेडी जिससे आपके बाल पहली ही बार में मुकम्मल साफ हो जाएंगे और रंग भी बहुत साफ होगा, बिल्कुल भी काला नहीं होगा। चेहरे के बाल ख़त्म करने हैं, अपर लिप्स के ख़त्म करने हैं, अंडर आर्म्स को, अंडर लेग्स, जहाँ से भी आपने बालों को ख़त्म करना है, बहुत आसानी के साथ और बहुत नीटली जो है ना आपके बाल रिमूव हो जाएंगे। बहुत आसान सी रेमेडी है और बहुत ही फ़ायदा देने वाली है। स्किन को काला किए बगैर, स्किन को नुकसान दिए बगैर जो आपके बाल आपके ख़त्म कर दे, वो चीज़ हमारे लिए बहुत ज़बरदस्त होती है। वीडियो स्किप किए बिना मुकम्मल देखेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेमेडी है। वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैं यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में खुशबाश होंगे। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेमेडी लेके आई हूँ, क्योंकि हम जब वैक्स यूज़ करते हैं ना, वो एक आसान काम है, उससे बाल जो है वो भी बहुत देर से आते हैं, लेकिन उसका नुकसान ये है कि उससे स्किन ढीली पड़ जाती है, आपकी जिल्द लटक जाती है मसलसल वैक्स के इस्तेमाल से। इसके अलावा जो बाल सफ़ा क्रीमें हैं, रिमूविंग क्रीम्स हैं, वो स्किन को काला करती हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड करती हैं, इतना ज़्यादा उनका साइड इफ़ेक्ट है जो कि हमारी काली हुई स्किन फिर वाइट होती ही नहीं है। इसके अलावा वो स्किन को हार्ड कर देती हैं बहुत ज़्यादा, तो वो जो है ना वो भी बहुत ही ख़राब सा तरीक़ाकार है। चेहरे पर रुआ होता है, चेहरे पर बाल होते हैं तो वो ख़त्म ही नहीं होते हैं, उन्हें ख़त्म करने के लिए क्या किया जाए? कुछ चीज़ें अल्लाह ताला ने हमारे लिए ऐसी बनाई हैं जिनमें ऐसी खासियत रखी है कि वो बालों की अफजाइश को मदम कर देती हैं, उनका मसलसल इस्तेमाल आपके बालों से आपको छुटकारा मिल जाता है, आपको जो है ना गैर ज़रूरी बाल वो आपके बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाते हैं। तो ऐसी ही आज मैं रेमेडी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, बहुत ही जो इफ़ेक्टिव रेमेडी है। तो उसके लिए मैं आपको बताऊँ कि मुल्तानी मिट्टी जो है ना, इसके बेहद फ़ायदे हैं। ये ना सिर्फ स्किन को गोरा करती है, स्किन को स्मूथ करती है, ओपन पोर्स को श्रिंक करती है और आपकी स्किन की जो है ना वो टाइट करती है और लटकने से बचाती है। आज हम इसका इस्तेमाल जो है ना वो रिमूविंग क्रीम के तौर पे इस्तेमाल करने लगे हैं, एज ए रेमेडी यूज़ करने लगे हैं। ये हमारे बालों को ख़त्म करेगी, उनको स्लो डाउन करेगी, उनकी अफजाइश को, उनको बढ़ने से रोकेगी, उन्हें जो है ना उनकी जड़ों को कमज़ोर करेगी। इसके बाद फिटकड़ी, फिटकड़ी शामिल की है मैंने एक छोटी चम्मच के करीब, ये भी बालों को जो है ना बहुत तेज़ी से उनकी ग्रोथ को ख़त्म करती है, बालों की जड़ों को कमज़ोर करती है और उन्हें दोबारा बढ़ने से रोकती है। और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये एक ऐसा एक सस्ता सा पत्थर है जो कि बेहद फ़ायदे रखता है। इसके बाद थोड़ी सी हम इसमें हल्दी शामिल करेंगे। हल्दी जो है ना वो ना सिर्फ रंग को गोरा करती है बल्कि बालों की अफजाइश को भी वो मदम करती है, वो बालों को जो है ना बढ़ने से रोकती है, उनकी जड़ों को कमज़ोर करती है। अगर इस तरीके से हम इस्तेमाल करेंगे, हल्दी का एक और तरीका भी है जो कि बाल बढ़ाने के काम आता है, लेकिन वो फ़िलहाल मैं शेयर नहीं कर रही हूँ। तीनों चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है, मुल्तानी मिट्टी, फिटकड़ी और थोड़ी सी हल्दी, इन तीनों चीज़ों को बहुत अच्छे से जो है ना आपने मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसमें और क्या चीज़ शामिल करनी है, ये रिमूविंग क्रीम बिल्कुल मामूली सी आपने इसमें शामिल करनी है। वो इसलिए शामिल करनी है कि देख लें आप मैंने कितनी क्वांटिटी इसमें शामिल की है। ये जो सारी चीज़ें मैंने शामिल की हैं ना, मुल्तानी मिट्टी, फिटकड़ी और हल्दी, ये बालों की अफजाइश को मुकम्मल जो है ना वो स्लो डाउन कर देती हैं, उन्हें बढ़ने से रोकती हैं, उन्हें उनकी जड़ों को कमज़ोर कर देती हैं। और बाल सफ़ा क्रीमें जिस तरह मैंने आपको बताया, रिमूविंग क्रीम्स जो है रंग को काला करती हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये रंग को गोरा करती हैं, बालों की अफजाइश को कम करती हैं। तो इसमें मैंने थोड़ी सी रिमूविंग क्रीम शामिल की है और अगर आप ये जो पेस्ट मैं आप बनाने लगी हूँ ना, आप चेहरे पे लगाएं, आप जहाँ भी लगाएंगे बाल भी ख़त्म हो जाएंगे और रंग गोरा होगा, बिल्कुल भी जो है ना इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे। क्योंकि हम हाली क्रीम लगाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हमें नुकसान देती है, बाल तो वो फ़ौरन उतार देती है लेकिन साथ ही रंग काला करती है। तो ये रेमेडी जो है ना ये आपके बाल उतारेगी, साथ में रंग गोरा करेगी, आपको किसी किस्म का स्किन का कोई इशू नहीं होगा, आपका चेहरा और रंग भी गोरा होगा, जगमगाने लगेगा, आपके चेहरे पे जितना नापसंदीदा रुआ है सब ख़त्म हो जाएगा, अपर लिप्स पे, इसके अलावा फोर हेड पर, जहाँ जहाँ पर भी है, अंडर आर्म पे, अंडर लेग पे, जहाँ से भी आपने बाल ख़त्म करने हैं, साथ में रंग गोरा होगा, रंग फेयर होगा और बालों से भी छुटकारा मुकम्मल मिल जाएगा इंशाल्लाह। तो इस तरीके से आपने जो है ना वो पेस्ट बना लेना। मैं इसमें रोज़ वाटर इसे मिक्स करने के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ, तो वो थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ ताकि एक ही बार में ज़्यादा ना डालें, फिर वो ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन इसका जो आपने ना कंसिस्टेंसी इस तरह से थोड़ी ठीक रखनी है ताकि ये स्किन पर जो है ना वो लटके ना, स्टे कर जाए। तो ये लगाने के बाद आपने पंखे के नीचे बैठना है, अच्छी तरह स्किन आपकी ड्राई हो जाए तो उसके बाद आपने टिश्यू या रुई की मदद से इसे साफ़ कर लेना है। ज़रा दबा के साफ़ करेंगे ना तो अंदर जड़ों तक जो है ना वो आपकी बाल जो है ना वो रिमूव हो जाएंगे।
तो बहुत ज़बरदस्त किस्म की रेमेडी है, लाजमी ट्राई कीजिएगा, क्योंकि इसमें खास बात यह है कि ये आपके रंग को गोरा करेगी, साथ बालों से छुटकारा मिलेगा, साथ में रंग गोरा होगा, स्किन ग्लो करेगी, और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की स्किन पे ना आपके चेहरे पे एक खास किस्म की चमक आ जाएगी, जो कि देखने वाले भी जो है ना उन्हें अच्छा लगेगा कि आपके बाल भी खत्म हो गए हैं और साथ में रंग भी ग्लो कर रहा है। 2 इन 1 रेमेडी है, तो लाजमी आपने ये ट्राई करनी है। तो थोड़ी सी भी अगर आपको मेरी कोई बात अच्छी लग रही है, मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो हमारी रेमेडी तैयार हो चुकी है, अब आपने चेहरे पर लगानी है, जहाँ पर भी लगानी है आप इसे लगा सकते हैं, बहुत ही आसानी के साथ और बहुत सेफ ये तरीका है, आपके बालों को जो है ना वो उनकी जड़ों को ख़त्म करेगा। अब ये मैं टांग के बाल थोड़े ज़्यादा होते हैं लेडीज़ के, तो यहाँ पर मैं लगा के ना थोड़ा आपको दिखाने लगी हूँ कि किस तरीके से ये बाल आपके सामने खत्म होंगे, लाइव रिजल्ट आपको दिखाऊंगी इसका। तो कोई ऐसी रेमेडी मिल जाए ना जिसका साइड इफेक्ट भी कोई ना हो, फायदे ही फायदे हों, तो वो भी फिर हमारे लिए बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है, एक इनाम हो जाता है। तो ये एक ऐसी ही रेमेडी है जिसका साइड इफेक्ट कोई नहीं है, लेकिन ये आपके बालों को डीपली आपके स्किन से, आपके चेहरे से, आपकी बॉडी से ये ख़त्म करने की अहलियत रखती है। तो ये बहुत ही नाइस रेमेडी है, आप जब इसे ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितनी ज़बरदस्त है। थोड़ी सी बिल्कुल जो है ना कोई भी रिमूविंग क्रीम जो है ना आप इसमें शामिल कर सकते हैं, तो ना भी करेंगे अगर आप, तो फिर ये होगा कि जहाँ पे भी आप इस रेमेडी को लगाएंगे ना, तो उसके बाद ये है कि 4 से 5 बार आप लगाने के बाद आपके बालों को जो है ना ये ख़त्म कर देगी, बिल्कुल ख़त्म कर देगी। और अगर आपने इंस्टेंट ख़त्म करने हैं तो फिर इसकी अफजाइश को भी रोकेगी और साथ में आपके रंग को गोरा करेगी और बालों को भी ख़त्म कर देगी। तो आज की जो रेमेडी है ना वो आपने इसे ट्राई ज़रूर करना है, इसके बाद जो है ना आपने इसे लाइक ज़रूर करना है वीडियो को। थोड़ी सी भी अगर आपको मेरी कोई बात अच्छी लगी है तो वीडियो को अभी से लाइक कर दें। 15 मिनट मैंने लगाए रखा है, लगाने के बाद जो है ना 15 मिनट बस लगाना है आपने, उसके बाद आपने टिश्यू की मदद से या रुई की मदद से या किसी पुराने चम्मच की बैग की मदद से जो है ना आप इसे अच्छी तरह रगड़ के उतार लेंगे। तो ये देखिए डीपली जो है ना आपकी स्किन भी ज़रा काली नहीं हुई है, आपके सामने लाइव रिजल्ट है, जैसी जिल्द थी वैसी ही रही है। तो ये जो चीज़ होती है ना, कोई भी रिमूविंग प्रोडक्ट है ना वो रंग पे ज़रूर असर करती है, लेकिन ये वाली रेमेडी साथ में आपका रंग फेयर करती है, ना सिर्फ बाल उतारती है, बालों से छुटकारा मिलता है, ये आपका रंग भी गोरा करती है। तो आपके सामने मैंने लाइव रिजल्ट दिखाया, अब तो किसी शक शुबे की ज़रूरत नहीं पड़ गई है आपको, तो आपको पता चला कि ये किस तरीके से जो है ना रंग को गोरा करेगी, साथ में आपके बालों से आपको मुकम्मल छुटकारा मिल जाएगा नापसंदीदा बालों से। तो इस तरीके से आपने रंग गोरा करना है, साथ में जिल्द को चमकाना है और बाल भी ख़त्म करने हैं, तो फिर ये वाली रेमेडी लाजमी ट्राई कीजिएगा, क्योंकि जो चीज़ हमें पता नहीं होता, ये तो आपके सामने मैंने बनाई, आपके सामने मैंने लगाई, आपके सामने मैंने बाल उतारे हैं, तो ये फिर आपको जो है ना इस पे डाउट नहीं होना चाहिए, तो लाजमी ट्राई कीजिएगा। आज की वीडियो मैंने आपके लिए बहुत प्यार से और बहुत मेहनत से बनाई है, तो आपने लाजमी लाइक करना है, कमेंट देने हैं इसके नीचे कमेंट सेक्शन में जाके, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आपको मैं टिश्यू भी दिखा रही हूँ जिसपे बहुत सारे बाल लगे हुए हैं।